लोग का स्वागत है गाइस। गाइस आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हमारे यूपी में किस प्रकार की खेती होती है। गाइस ये जो है अभी धान का, इसको बिया कहते हैं। गाइस जो चरी है ये जो है यहाँ पे बिठाई हुई है। गाइस ये थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको जो है कि रोपेंगे, इसको फिर संडा का रूप देंगे, फिर उसके बाद फिर वापस से इसकी रोपनी होगी। एक एक धान करके, धान का एक एक पौधा रोपा जाएगा बड़े खेत में। तो गाइस इस प्रकार जो है हमारे यूपी में किसानी होती है। गाइस ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक MDL ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। गाइस फिर से एक बार आप लोगों से हम मुखातिब हुए हैं। गाइस आप लोगों को दिखा रहे हैं जो बगीचे आम के हैं। गाइस कितना, हर एक पेड़ में जो है कि तकरीबन अच्छा आम की फसल हुई है। गाइस यहाँ का शाम का टाइम है, शाम का नज़ारा है। गाइस जो है कि कितना अच्छा माहौल है, शांत वातावरण है और ज़्यादा वो तो वैसे तो गर्मी का मौसम है, बट वातावरण अच्छा होने के कारण जो है हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। और आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस कितना खूबसूरत, कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है। गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा MDL ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। गाइस मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि हाँ आप लोग एक से एक वीडियो देखते रहें हमारा, और हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए गाइस, क्योंकि मैं हमेशा से मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक से एक शुद्ध वातावरण दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। गाइस आप लोग देख रहे हैं खेत खलिहान जो है कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। इस टाइम जो है कि संध्या काल है, इस टाइम शाम का टाइम है। गाइस कितना, कुछ टाइम में सूर्य जो है क्लू हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ गाइस देख रहे हैं गाइस हमारे यूपी में कुछ इस प्रकार से खेती होती है। गाइस कितना, कितनी मेहनत किसान लोग करते हैं गाइस, तो फिर जाके हम सब तक अनाज पहुँचता है, हम सबको खाने के लिए मिलता है। गाइस इस किसानी और इस अनाज के लिए जो धान की खेती गाइस, जिससे हम लोग राइस अर्थात जिससे हम लोग चावल खाते हैं, गाइस इस किसान को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।